यानी कि 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर और 21 नवंबर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड पब्लिक मीटिंग मुसलमानों की होने जा रही है, जहां 10 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे और ऐसी तैयारियां उसकी की जा रही हैं कि जैसे मुसलमानों का एक नया शहर बसा दिया गया हो। और ये तैयारियां मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही हैं, जहां 10 लाख मुसलमान जो हैं बीते 4 दिन तक भोपाल की सरजमीं पर इकट्ठा होंगे, जहां इस्तेमा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और जब इस्तेमा का नाम लोगों के जहन में आता है तो तबलीगी जमात से नाम अपने आप जुड़ जाता है, जहां तबलीगी जमात के लोगों का काम है कि वो दीन की दावत दे। और कैसे आप इस समय में जाकर के अपने बारे में जान सकते हैं और कैसे आप खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं, इसके बारे में शिक्षाएं दी जाती हैं, जहां पर तमाम धर्मगुरु, तमाम आलिम, तमाम स्कॉलर मौजूद होते हैं और वो किस तरीके से आप दीन की तालीम पर चल सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं, जहां 10 लाख मुसलमान इकट्ठा होने जा रहे हैं। और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने आई हैं, और जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि कोविड-19 के बाद तबलीगी जमात का पहला बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जहां 10 लाख मुसलमान जो हैं वो इकट्ठा होंगे। और कैसे 2020 के दौरान टारगेट किया गया तबलीगी जमातियों को, इसकी तस्वीरें भी देश और दुनिया के सामने थी। और अब भोपाल में दीन की दावत को लेकर के, दीन की तालीमों पर कैसे चल सकते हैं इसके बारे में बताने तमाम उलेमा जा रहे हैं, और इसमें विदेशी नागरिकों के आने पर रोक है। और सोचिए कि अगर विदेशी नागरिकों के आने की इजाजत होती तो कैसे यह संख्या 10 लाख के बजाय 50 लाख हो सकती थी, जो कि बड़ी संख्या में पहली बार इतना बड़ा इस्तेमा कोविड-19 के बाद तबलीगी जमात की तरफ से आयोजन किया गया है। और किस तरीके से इसकी तैयारियां चल रही हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ईंटखेड़ी मिनी शहर की तरह तैयार हो रहा है। यहां 18 से 21 नवंबर तक देश भर से करीब 10 लाख लोग जुटेंगे इस्तेमा के लिए। ईंटखेड़ी के धासीपुरा में पिछले 2 महीने से मिनी शहर बसाया जा रहा है। ये 73वां इस्तेमा है। 300 एकड़ से ज्यादा एरिया में बड़े पंडाल बनाए गए हैं, इनमें रहने के इंतजाम किए गए हैं। 17 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। जमातों के लिए 4,500 टॉयलेट बनाए गए हैं। यहां देश भर से जमातें आएंगी, इन्हें सिर्फ वेज खाना मिलेगा, 50 रुपए में खाना तो 20 रुपए में नाश्ता मिलेगा। प्लास्टिक के डिस्पोजल पूरी तरह से बैन रहेंगे। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा मुस्लिम समुदाय के दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है। बताया जाता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही इज्तिमा होता है। भोपाल के इज्तिमे में विदेशी जमातें भी शामिल होती रही हैं, लेकिन पहली बार इस साल विदेशी जमातें नहीं आएंगी, देश भर से ही जमातें आएंगी और 4 दिन तक यहां होने वाली धार्मिक तकरीर में शामिल होंगी। मुस्लिम धर्मगुरु तकरीरें करेंगे। इस्तेमा अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब कई लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना है। भोपाल में इस्तेमा की शुरुआत 1947 में मस्जिद शकूर खान में महज 12 या 14 लोगों के साथ की गई थी। इसके 2 साल बाद इसे ताजुल मस्जिद में किया जाने लगा। जब इसने आने वाले लोगों की संख्या लाखों में होने लगी और मस्जिद कैंपस छोटा लगने लगा, फिर इसे 2015 में बैरसिया रोड स्थित ईंटखेड़ी के पास धांसीपुरा में शिफ्ट कर दिया गया। तब से ये यहीं पर लगाया जा रहा है। इसके लिए 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। बड़े बड़े डोम, टेंट समेत वजू खाने, टॉयलेट, पानी, सिविस लाइन और बिजली के इंतजाम शुरू कर दिए जाते हैं। इस बार भी सारे इंतजाम हो चुके हैं, इसलिए सिर्फ वेज खाना बनेगा।
देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में भोपाल 6वें पायदान पर है। इसलिए इस समय में सफाई को लेकर सीख दी जाएगी, लिहाजा नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। 4 दिन तक सिर्फ वेज खाना ही परोसा जाएगा। खाने में वेज पुलाव, सब्जी रोटी, दाल चावल मिलेंगे। नाश्ते में पाव भाजी, हलवा और चाय मिलेगी। पीने के पानी की भी व्यवस्था रहेगी। पिछले इस समय में भी ये प्रयास किया गया था। भोपाल रेलवे स्टेशन से लेकर ईंटखेड़ी तक पुलिस के साथ वॉलंटियर्स व्यवस्था संभालेंगे। इस समय के आसपास 45 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यहां 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। पंडाल में 3000 से ज्यादा डस्टबिन रहेंगे। पूरे इस समय में 7000 डस्टबिन रखे जाएंगे। सफाई में 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जुटेंगे। इम्तियाज अली ने बताया कि 24 घंटे वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। बार बार सफाई की जाएगी ताकि इस्तेमाल स्थल साफ सुथरा रहे। 6 किलोमीटर में स्विस लाइन बिछाई गई है। आखिर दिन इसे व्यवस्थित तरीके से हटाया जाएगा। 6 सेप्टिक टैंक भी बनाए गए हैं। 5 फायर ब्रिगेड, 6 बुलेट फायर तैनाती रहेगी। फायर ब्रिगेड के साजिद ने बताया कि 24 घंटे फायर कर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। मेन एंट्री गेट पर ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें भी तैनात रहेंगी। सभी एंट्री गेट पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। वॉलंटियर्स भी नजर रखेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। इस्तेमाल स्थल पर पॉलिथीन और बीड़ी सिगरेट के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और कितने जबरदस्त तरीके से ये तैयारियां भोपाल में चल रही हैं, जहां कल से इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है, जहां 10 लाख मुसलमान इकट्ठा होने जा रहे हैं। और जब 10 लाख मुसलमानों की संख्या एक साथ नजर आएगी तो उसकी तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हुई दिखाई देती हैं। और किस तरीके से प्रशासन ने पूरी पहराबंदी कर रखी है, इसका भी खास इंतजाम रखा गया है। क्योंकि जिस तरीके का दौर चल रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार मुसलमानों के खिलाफ बताने की कोशिश की जा रही है, उसमें मुसलमानों का कैसा सहयोग रहने वाला है, इन तस्वीरों पर भी गौर करना जरूरी है। और ऐसे में कोई शरारती तत्व माहौल खराब ना करे, इसका भी इंतजाम किया गया है। क्योंकि इससे पहले बुलंदशहर के इस्तमे में कैसी तस्वीरें सामने आई थी, वो भी लोगों के सामने है। मैं इस्तमे से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।